सो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो आज के इस लेक्चर में हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक देखने वाले, जिसका नाम है बायर्ड सेवर्ट लॉ। तो आइए इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए, चाहे आप जेईई नीट की बात करें उसके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक है हमारा बायर्ड सेवर्ट लॉ। तो लिख लेते हैं बायर्ड सेवर्ट लॉ। तो बायर्ड सेवर्ट लॉ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए बायर्ड सेवर्ट लॉ होती क्या है, बच्चों इसको समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी वायर है हमारे, सपोज देखिए एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है, ठीक है ना, और इससे एक पॉइंट पी डिस्टेंस पे, इससे एक डिस्टेंस पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये हमें अगर जो निकालना है, तो इसके लिए हम बायर्ड सेवर्ट लॉ का उपयोग लेते हैं। आगे जाकर के हम एम्पियर सर्किटल लॉ भी समझने वाले, लेकिन पहले बायर्ड सेवर्ट लॉ समझते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि नहीं। अब देखिए बायर्ड सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम चले, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो निकलती है, जो पूरे वायर की नहीं निकलती है, हम इस वायर की छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, जिस एलिमेंट का नाम हम लोग डीएल देने वाले, दैट मींस मान लेते हैं पूरा का लेंथ एल है, इसके छोटा सा हिस्सा ले लिया जिसका नाम हम लोग डीएल दे दिया, और ये डीएल की जो डायरेक्शन रहेगी इसको हम लोग हमेशा बच्चों करंट के डायरेक्शन के अलोंग ही लेंगे, दैट मींस डायरेक्शन ऑफ करंट इज एसएम एंड डायरेक्शन ऑफ डीएल। तो ये डायरेक्शन बच्चों किसका हो गया, डीएल का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हो गया, और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम लोग आर मान लेते हैं, दैट मींस इस वायर से P डिस्टेंस की दूरी में, एक R डिस्टेंस की दूरी में एक पॉइंट P है, इसी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। तो जाहिर सी बात है हमने छोटा सा एलिमेंट DL लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगी बच्चों कैसे निकलेगी, छोटी सी, दैट मींस DB निकलेगी बाहर की तरफ, है कि नहीं। अब देखिए इसमें हम लोग पाल रूल वगैरह लगाएंगे आगे जाकर के देखेंगे, पहले मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। और एक और चीज यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं बच्चों कि ये जो डीएल और ये आर है इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम थीटा कहेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज हम देखेंगे, थीटा क्या है बच्चों, थीटा एंगल बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर समझिएगा, एक एक चीज को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत आसान है। एंगल बिटवीन थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, तो डीएल और आर के बीच का ये क्या है, एंगल है, कौन, थीटा। तो ये बात हम समझ चुके। अब आइए आते हैं बायर्ड सेवर्ट लॉ के तरफ की, बायर्ड सेवर्ट लॉ की डेफिनेशन कैसी है। तो देखिए अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बायर्ड सेवर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स डीबी इज, ये क्या रहेगी बच्चों, पहला पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दैट मीन्स डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बच्चों, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट, दैट मीन्स किसी भी कंडक्टर के अंदर कितनी ज्यादा करंट फ्लो कर रही है उससे ये क्या रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के थ्रू कितनी करंट फ्लो कर रही है उससे ये क्या रहेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। नेक्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, नंबर टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, और लेंथ हमने बच्चों यहाँ पे क्या लिया, छोटा लेंथ, दैट मीन्स डीएल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल लेंथ डीएल, थर्ड चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब साइन थीटा बच्चों में यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रीजन पता करना है कि कितना है, दैट मींस हम लोग यहाँ पे जो डीएल रखे हुए हैं, डीएल से हम आर के तरफ आ रहे हैं, डीएल से हम कहाँ आ रहे हैं, आर के तरफ, हमको एक एरिया कवर करना है, तो एरिया कवर करने के लिए दैट मींस हम लोग क्या करने वाले बच्चों, बेसिकली हम लोग डीएल क्रॉस आर करने वाले हैं, यही हमको क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड दे देगा जनरली, ठीक ना। और जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इससे परपेंडिकुलर होगी, दैट मींस ये अगर डीएल है और ये आर है, तो ये कुछ इस प्रकार से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट मींस इससे हम ये समझ सकते हैं बच्चों, इससे हम क्या समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीएल डी। अब देखिए समझने की कोशिश करिएगा, एग्जांपल देते हैं आपको, देखिए समझने की कोशिश करिएगा, ये हमारा करंट है, ये करंट है और ये हमारे क्या है, पॉइंट पी है, ये आर वेक्टर और ये डीएल वेक्टर। जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमेशा उसके सामने वाला जो थर्ड एक्सिस होता है वही हमको क्रॉस प्रोडक्ट देता है, दैट मींस बी मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ बच्चों, ये वाला। तो हमने यहां पे देखा डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, और हमको पता है डीएल और आर भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, दैट मींस इससे हम एक और चीज ले सकते हैं,
ये दो पॉइंट हम इसे लिख सकते हैं, तीनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो साइन थीटा क्या हो, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो साइन थीटा हम लिखते हैं उसके साथ डीवी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मान लेते वायर, इस वायर से इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो हमको पता है कोई भी मैग्नेट उससे जितना सामने हम कोई चीज रखते हैं उतना फास्टली उसको अट्रैक्ट करता है, लेकिन दूर रखते हैं तो उसको अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाता, दैट मींस उसके मैग्नेटिक फील्ड रीजन से दूर जा रहा है। दैट मींस और इसकी वैल्यू होती है 10^-7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से याद रखिए, टेस्ला मीटर पर एम्पियर 10^-7 के कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू होगी ये डिपेंड करेगी कि इस डीएल और पॉइंट पी के बीच में कैसा मीडियम हमने डाला है। दैट मींस इट्स वैल्यू लिख सकते हैं, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन पी एंड जो स्मॉल एलिमेंट डीएल इसके बीच में जो हमने पॉइंट रखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना बच्चों, तो अब क्या जानते हैं के की वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई है, तो मैग्नेटिक फील्ड डीवी जो होगा ये बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो ये है बच्चों हमारा बायट सबर्ट लॉ का फाइनल क्या फाइनल फॉर्मूला। तो इसको आप अच्छे से ग्लास के अंदर डाल करके घोल करके पी जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए और इसको आपको पीना है अभी क्या अभी पीना है। पीना है एक और चीज, इसकी वेक्टर फॉर्म भी आपको याद करना पड़ेगा कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए। तो मैंने बच्चों भी अभी आपको बताया है कि ये क्या है क्रॉस प्रोडक्ट होता है, dv इज इक्वल टू लिखेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई i, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, dl क्रॉस r, sin थीटा हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा ही होती है, और r की वैल्यू हम r3 करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं बच्चों, क्योंकि हमको पता है ये जो डीएल है हम कैसे जा रहे हैं, डीएल से आर की तरफ आ रहे हैं, डीएल से हम आर की तरफ आ रहे हैं। दैट मींस क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे तभी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे तो साइन थीटा भी हमारा गायब हो जाएगा। तो म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर, अब यहाँ पे क्रॉस आर हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारे जो मैग्नीट्यूड है ये क्या दे रहे हैं बच्चों, ये हमारा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ना, ये किसका है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला है, और ये क्या है वेक्टर फॉर्म है बायो सावर्ट लॉ की। इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए वो क्या है बच्चों कि हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आर ले लिया, डीएल क्रॉस आर लिया, ये डिनोट कर रहा है कि डीएल क्रॉस आर क्या है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ से आर को आर कैंसिल करेंगे तो नीचे हमारा आर स्क्वायर आ जाएगा, वही तो हमारा मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिखा रहा है। तो नोट डाउन करिए ये क्या है बच्चों, वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म ऑफ व्हाट बायो सावर्ट लॉ, सावर्ट लॉ। ओके तो चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। तो बच्चों अब तक हमने देखा क्या, हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू कितनी है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। हमने क्या देखा था, एक वायर थी इससे पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, ये क्या था बच्चों ये डीएल की डायरेक्शन थी, ये हमारा आर था, दोनों के बीच में एंगल थीटा था, थीटा एंगल डीएल और आर के बीच में थी। अब हमको यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है, दो तीन केस ले लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 degree, जब थीटा 0 degree रहेगी तो हमको पता है बच्चों यहाँ पे क्या है साइन थीटा, दैट मीन्स डीवी इज इक्वल टू साइन थीटा, क्या होता है बच्चों साइन 0 होती है तो पूरा सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा 0। दैट मींस अगर जो एंगल दोनों के बीच में 0 रहेगी तो हमारा ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यही हम लोग थीटा के वैल्यू अगर जो 90 रख के देखते हैं, चलिए 90 रख के देखते हैं तो हमारे क्या आ जाएगा डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, इसको लंबा कर दीजिए, आई डीएल साइन 90 के वैल्यू 1 होती है,
दैट मींस इस केस में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आ रहा है बच्चों, ये क्या है? मैक्सिमम। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम केस हमारा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ बायोट सर्वेट लो हमारा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री में होती है। इस चीज को आप अच्छे से याद करके रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे बच्चों म्यू नोट क्या है? म्यू नोट हमारा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पढ़ा था, यहाँ पे आप पढ़िए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। तो उम्मीद है ये अभी तक हमने जो पढ़ा ये आपको एकदम पूरे अच्छे प्रकार से क्लियर है। और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा।